हेलो एवरीवन, चलो आज बनाते हैं मसाला फिश करी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार खाने के बाद बार बार बनाने का मन करेगा, तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है, बहुत ही ज़्यादा आसान भी होती है और सबको पसंद आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये 1 kg रोहू फिश लिया है मैंने ये। अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 tablespoons के करीब हल्दी पाउडर, टर्मिक पाउडर, और अब डाल रहे हैं हम 2 tablespoons ही इसके अंदर सॉल्ट, नमक, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इस तरीके से अगर हम फ्राई करते हैं तो मछली जो होती है, हमारी फ़िश जो होती है, वो ऑयल में डालने के बाद फूटती नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा फटने लगती हैं। और डर होता है हमें फ़िश को फ्राई करने में भी कि कहीं हमारे ऊपर ऑयल ना आ जाए। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल भी ऑयल आपके ऊपर नहीं आएगा, तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। मैंने 100 ग्राम ऑयल डाला है इसके अंदर और मैं एक एक करके सारे फिश को ऐसे ही डिप कर दे रही हूँ ऑयल में। तो ये हमने नमक और हल्दी डाल के फ्राई कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी बन के तैयार हो जाएंगी, क्रिस्पी भी बन जाती हैं इससे। और रोहू मछली बना रहे हैं हम आज, तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। और आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं एक बार। तो चलो सारी फिश फ्राई हो चुकी हैं, अब इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो बस धीरे धीरे मैं इनको निकाल रही हूँ और मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है ताकि हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो वो बिल्कुल भी टूटे ना। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल भी आपकी फिश टूटेगी नहीं। तो अब हम सारी फिशों को निकाल लेंगे इसी तरीके से ही। तो ये मैंने सारी फ़िश निकाल ली है और बाकी की और भी फ्राई कर ली थी मैंने। अब साथ में ही मैंने उस ऑयल से आधा ऑयल निकाल लिया है और इसके अंदर डाल दिया है मेथी दाना, 2 बड़े प्याज बारीक पीस के मैंने वो भी डाल दिए हैं। खाली ये प्याज है, इसके अंदर और कुछ नहीं है अभी। तो साथ में ही मैं डाल रही हूँ अदरक, के साथ मैंने लिया था 2 tablespoons के करीब राई और उसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, अदरक और लहसुन जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। और इसको भी अब हम चलाते रहेंगे अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 tablespoons के करीब रेड चिली पाउडर, 2 tablespoons के करीब ही मैं डाल रही हूँ टर्मिक पाउडर, हल्दी पाउडर, 2 tablespoons के करीब कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया पाउडर, और नमक अपने स्वाद के हिसाब से, क्योंकि हमने फिश में भी डाला है उसी हिसाब से ही अब नमक डालेंगे। और अच्छे से इसको अब हम फ्राई कर लेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। इसी तरीके से ही हमें बनाएंगे, इसी तरीके से आप फिश बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी। एक बार बनाने के बाद दोबारा बनाने का मन करेगा, तो ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस अब हम इसके अंदर सारे पीसेस डाल देंगे फ़िश के, जितने भी पीस हमने फ्राई करे थे सारे पीस हम डाल देंगे इसके अंदर, एक एक करके पूरा डिप कर देंगे इनको। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा पानी डालने से अच्छा नहीं बनेगा। तो ग्रेवी अगर थिक बनानी है तो कम पानी डालें आप, एक कप के करीब ही पानी डालें आप। और इसको अब हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अब खोल के देखते हैं तो ये हमारी फ़िश होती है बिल्कुल रेडी। तो अब इसको हम सर्व करेंगे, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको कैसी लगी आज की रेसिपी मेरी, ज़रूर मुझे बताएं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। और आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर मुझे बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि लाइक अगर करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखो कितनी यम्मी बनकर तैयार हुई है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है, सबको पसंद आएगी, एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। तो ठीक है, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।